स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित एनवायरनमेंट स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड परीक्षा 2023 का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखें 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर जो है आज 16 मई 2023 को जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया। इससे पहले मैंने 2020, 2022 और 2019 का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो ये क्वेश्चन पेपर भी मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने सेंड किया है इसका सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कंप्लीट सॉल्यूशन है दोस्तों 2023 क्वेश्चन पेपर का, कंपलसरी पेपर है ये, अनिवार्य पेपर है जो बीए बीएससी बीकॉम के लिए आयोजित होता है, पार्ट फर्स्ट यानी फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये 3 घंटे का जो क्वेश्चन पेपर है इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 100। तो देखें सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, तो इसमें हो जाएगा पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सीखना, एक पर्यावरणीय नैतिक संवेदनशील समाज, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज इज़, तो ये सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण का कार्य क्षेत्र संबंधित है, तो पर्यावरण का कार्य क्षेत्र जो है वन्य जीवों से होता है, खाद्य श्रृंखला से, खाद्य जाल से, यानी वन्य जीवों में तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ आएगी लेकिन इसके अलावा भी जो है ये खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल भी इसी के अंदर आते हैं, फूड चैन, फूड वेब जो है, तो इसका ऑप्शन भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, सजीवों एवं वातावरण के मध्य अंत संबंधों को कहते हैं, सजीवों और वातावरण के मध्य अंत संबंधों को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, तो इसका भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि यह पर्यावरण जागरूकता बढ़ाता है, देखो रोजगार के अवसर प्रदान करे, सामान्य ज्ञान भी बढ़ाता है, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे जो करेक्ट आंसर है इसका, यह पर्यावरण जागरूकता बढ़ाता है। पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता इसीलिए है हम हमारे एनवायरनमेंट के लिए जागरूक हों, अवेयर हों, कैसे हमें इसकी रक्षा करनी है इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये रिपीट हो रखा क्वेश्चन है, 2022 में भी था ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसका जो है 1986 हो जाएगा, और उस पेपर के अंदर हमने इसकी डेट भी देखी थी। अगर आप लोग 2022 और 2020 वाला सॉल्यूशन देखें तो 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है लागू किया गया था, और डेट भी आप याद रख सकते हैं 19 नवंबर। तो ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है 2020-2022 में से इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 6, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ, तो ये होता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन IEEP 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 1975। नेक्स्ट देखें दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को, तो ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत 1972 से की गई थी, तो ये आप इसको नोट कर लें। और पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1974 को 1974 को सेलिब्रेट किया गया था, और इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी स्लोगन, ठीक है, इसका स्लोगन जो था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, तो ये भी आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट एनवायरनमेंट डैमेज,
तो इसमें हो जाएगा पेड़ लगाना, वनों की कटाई रोकना, प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी इसके अंदर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पर्यावरण जागरूकता के साधन हैं तो टेलीविज़न, इंटरनेट, समाचार पत्र यानी मीन्स ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस आर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें भी ये सभी डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 10, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी दोस्तों 2022 के क्वेश्चन पेपर में था। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 16 सितंबर। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 11, सिलिकोसिस रोग। तो ये सिलिकोसिस जो है खनन संबंधित होता है, यानी जो भी ये माइंस में लोग काम करते हैं तो जो पत्थर की जो डस्ट उठती है उसकी वजह से ये फेफड़े जो हैं, लंग्स उनके ख़राब हो जाते हैं। तो सिलिकोसिस माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सिलिकोसिस डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू माइनिंग इंडस्ट्रीज, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा H1N1 होता है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू की गई थी, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च इन 1988। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 14, इनमें से जल जनित रोग है, तो दोस्तों हैजा जो होता है कॉलेरा वो जल जनित रोग होता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ तो जल जनित नहीं होता, निमोनिया भी नहीं होता, तो इसमें हैजा कोलेरा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 15 देखें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया में, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी फाउंड इन एशिया, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 500 मिलियन। तो 500 मिलियन जनसंख्या जो है ये हो गई थी आपके 1650 के अंदर, सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चरम कैंसर। तो चरम कैंसर के लिए जो है पराबैंगनी किरणें रिस्पॉन्सिबल होती है, ए जो कि ओजोन परत के नष्ट होने से जो यूवी रेज है वो नीचे आ रही है वो स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो ये मैंने डिटेल में बताया था, ऑक्सीजन जो है 21% होती है, ऑक्सीजन है लगभग 21%। तो ये इसका रियल भी मैंने बताया था उस वीडियो में मैंने कंप्लीट, तो ये 20.94% होती है, और इसका डिटेल में मैंने बताया था नाइट्रोजन 78% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% होती है, तो ये टोटल डिटेल में मैंने उसमें बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 19, पर्यावरण में शामिल है तो व्हाट डज द एनवायरनमेंट इंक्लूड। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें जैविक अजैविक घटक होते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, मरुस्थलों में से कौन सा एक नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो नाइट्रेट के भंडारों के लिए ए जो है कालाहारी मरुस्थल प्रसिद्ध है, ये दोस्तों मैं बता दूं आपको अफ्रीका के अंदर है, और यहाँ पे आज भी एक आदिवासी प्रजाति पाई जाती है बुशमैन, जो कि बिल्कुल वर्तमान दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो ये बुशमैन प्रजाति पाई जाती है अफ्रीका के कालाहारी में, और ये नाइट्रेट के भंडारों के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इसका ए ऑप्शन आप राइट लगा दें। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 21, स्थानांतरित खेती खेती की विशेषता। तो स्थानांतरित खेती जो है इसमें आपके खेती का चक्र होता है, यानी एक जगह पे फसलें बोते हैं और फिर उस खेत को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फील्ड रोटेशन होता है स्थानांतरित खेती में, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, काफ़ी फेमस है SST में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फील्ड रोटेशन, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखें, व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन विकसित हुआ, तो ये हो जाएगा आपके सी ऑप्शन इसका, प्रेसी व स्टेपी प्रदेशों में। क्वेश्चन 23, भारत में नीली क्रांति। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से, फिश प्रोडक्शन से, ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन,
बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो कजाकिस्तान में पाया जाता है यूरेनियम के भंडार, फिर कनाडा में, साउथ अफ्रीका में। तो लेकिन इन ऑप्शंस में से अगर पूछा जाए तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, चाइना में। और वैसे ओवरऑल चाइना 5वें नंबर पर आता है, तो 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन, चाइना। क्वेश्चन देखें 25, जरिया कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो ये झारखंड के अंदर है, जरिया कोल फील्ड आर लोकेटेड इन, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन 26 देखें, भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत। तो देखो, भारत की जो सबसे प्रमुख नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, तो वहां पे अनुपचरित सीवरेज लाइन यानी जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर होता है उसको नदियों में जो है मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन मेजर रिवर्स इन इंडिया, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अनट्रीटेड सीवरेज, सीवेज जो सीवेज का पानी होता है वो हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखें दोस्तों 27, कौन से प्रदूषक मनुष्यों में कैंसर का कारण बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 के अंदर ए, कीटनाशक जो है, पेस्टिसाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस, क्योंकि जो सीसा जो है, पारा मिनीमाटा रोग के लिए है, 2022 के पेपर में भी था। और ओजोन खुद प्रदूषणकारी, खुद जहरीली गैस तो होती है लेकिन ये सूरज से आने वाली यूवी रेज को रोक लेती है, तो ओजोन तो बचाने का काम करती है एक तरह से। तो इसके अंदर जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेस्टिसाइड, कीटनाशक। नेक्स्ट देखें दोस्तों क्वेश्चन 28, गंगा कार्य योजना, तो 1988 के अंदर ये हुई थी। क्वेश्चन 28 में 1986, देखे दोस्तों गंगा सफाई योजना भी कहते हैं इसको, गंगा एक्शन प्लान 1986 में शुरू किया गया था, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखें, चिपको आंदोलन प्रणेता यानी चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखें, हाल ही के दशकों के दौरान वनों की कटाई से संकट उत्पन्न हुआ है। तो भूस्खलन, मृदा अपरदन, जैव विविधता का क्षरण, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 31 देखें, प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये तो काफ़ी फेमस है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। इसकी मैं आप लोगों को डेट भी बता दूँ, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड 1 अप्रैल इन 1973, तो 1 अप्रैल 1973 को। और प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड अगर आपसे पूछे तो राजस्थान के अंदर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही शुरू किए गए थे। नेक्स्ट देखें, और पूरे भारत में जो रणथंबोर है टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 32, संसाधनों का पृथ्वी पर असमान वितरण का कारण है। तो यहाँ पे हो जाएगा विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियाँ, विकास का स्तर, तकनीकी स्तर, ये नहीं होगा इसमें, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिफरेंट नेचुरल कंडीशन, संसाधनों का पृथ्वी पर असमान वितरण, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, द डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, कोयला उदाहरण है। तो ये मैंने 2020-22 वाले पेपर में भी काफ़ी डिटेल में समझाया था। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, कोल इज ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये डीजल वगैरह, पेट्रोलियम, सभी जो है अनवीकरणीय संसाधनों के अंदर आते हैं, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, इनके भंडार जो हैं सीमित हैं, यदि इनकी मात्रा एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा इन्हें नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 34, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरियो के अंदर 1992 के अंदर हुआ था। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में। तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 सतत पोषणीय विकास भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें,
उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक यानी बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, बायोटिक एंड अबायोटिक। नेक्स्ट देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, जीवन के सभी रूपों में स्थायी अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसमें संसाधन प्रबंधन हो जाएगा। अगर स्थायी अस्तित्व चाहिए तो संसाधन को हमें प्रबंधन करना पड़ेगा, रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखें दोस्तों, क्वेश्चन 37, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़ को क्या कहा जाता है? यानी कि हमारे चारों तरफ उपलब्ध प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। तो ये परिभाषा कक्षा 10 की SST ज्योग्राफी की बुक में दी गई है, जो कि मुझे याद है, मैं वहाँ से आपको ये बता रहा हूँ। कक्षा 10 SST की किताब में से नेचुरल ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई आवर नीड इज टर्म एज रिसोर्सेज। क्वेश्चन 37 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देखें, पुंगा घाटी व पार्वती घाटी भूतापीय ऊर्जा है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 38 का, विकसित संसाधन में आ जाएगा ये, डेवलप रिसोर्सेज। जियो थर्मल एनर्जी इन पुंगा वैली एंड पार्वती वैली आर डेवलप रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 2020-2022 के पेपर सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, बहुत लोगों ने देखा है उनको, और फिर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक ही वीडियो में मैंने 2022 और 2020 एक ही दिन में उसको इतने सारे व्यूज़ मिले हैं, तो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं मेरे सॉल्यूशंस को। और आपको इसी तरह के कोई और भी पेपर सॉल्व करवाने हो तो आप ज़रूर मुझे उसका PDF सेंड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से और पेपर्स के सॉल्यूशन भी लाता रहूं। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? तो 39 के अंदर बी हो जाएगा, गहन खेती, इंटेंसिव कल्टीवेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, गहन खेती। नेक्स्ट देखें दोस्तों, क्वेश्चन 40, व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? तो ये होता है स्वामित्व के आधार पर। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देखें, लोह अयस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? तो लोह अयस्क जो होता है ये दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पे इसको मैं डिटेल में आपको समझा दूँ, क्योंकि लोह अयस्क जो है ये खनिज है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, मिनरल है, खनिज है, खनिज को बनने में लाखों सालों का समय लगता है, और ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि फिर इसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता, तो ये नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा यहाँ पे रिसोर्सेज, और इस आयरन ओर, ठीक है? तो जो ओर जो होते हैं, खनिज जो होते हैं, ये इसको बनने में काफ़ी लाखों समय का समय लगता है, लाखों सालों का टाइम लगता है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सी सतह जल का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे आप देख लें क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर, ठीक है, सतह जल का स्रोत का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल व्रत यानी एक्वीफर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सरफेस वाटर? तो सतही जल के अंदर कौन कौन आता है ये भी मैं आपको बता दूँ, नदियाँ, तालाब, झीले, नहर, ये सभी सतही जल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखें दोस्तों, क्वेश्चन 43, भारत में सर्वाधिक पानी की खपत करने वाले क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो भारत में सर्वाधिक पानी की खपत कृषि एग्रीकल्चर के अंदर होती है। Identify the sector that consume the maximum amount of water in India, तो वो है एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों 44, विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना हिस्सा है? तो इसके अंदर सी ऑप्शन होगा इसका, 4%। विश्व के जल संसाधनों में
वॉट इज़ द शेयर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्स, तो ओनली 4%। क्वेश्चन 45 देखें, एजेंडा 21 तो पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, एजेंडा 21 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर जो सतत पोषणीय विकास है उसके लिए एजेंडा 21 रिलेटेड है। 1992 के अंदर जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था उससे, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन से। नेक्स्ट देखें दोस्तों, क्वेश्चन 46 ठंडे मरुस्थल का उदाहरण, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें डी हो जाएगा गोबी, क्योंकि ये जो है ये चाइना और मंगोलिया के बीच में स्थित है और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है, तो ये एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट इज़ गोबी, तो ये आप इम्पोर्टेंट करके आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 47 नंदा देवी जैव मंडल, तो 47 के अंदर हो जाएगा नंदा देवी जैव मंडल उत्तराखंड के अंदर है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 अमृता देवी, तो अमृता देवी खेजड़ी से रिलेटेड है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं 1730 के आसपास का समय जोधपुर के खेजराली गांव में, 1730 जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर एक खेजराली गांव है जिसको खेजराली गांव के नाम से जाना जाता था, वह अमृता देवी विश्नोई के रूप में जो है उन्होंने पेड़ों को राखी बांधी थी और कहा था कि जब राजा के सिपाही पेड़ काटने के लिए आए तो उन्होंने पेड़ काटने से मना कर दिया और टोटल 363 स्त्री और महिलाओं ने अपनी जान को दांव पे लगाकर अपनी जान से हाथ धो के पेड़ों को बचाने के लिए ये विश्व का पहला उदाहरण माना जाता है। तो ये जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर की घटना है और प्रतिवर्ष भादवे की दशम को यहाँ पे मेला भरता है, जब रामदेव जी का मेला भरता है ना रामदेवरा के अंदर, उसी दिन यहाँ पे मेला भरता है खेजड़ली गांव के अंदर, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो WHO पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, क्वेश्चन 50 ताल छापर अभ्यारण, तो ताल छापर अभ्यारण जो है चूरू के अंदर है, राजस्थान के चूरू में ताल छापर अभ्यारण है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखें, कौन सी प्रक्रिया मृदा रचना के लिए जिम्मेदार है, तो मृदा रचना के लिए जिम्मेदार यहाँ पे हो जाएगा अपक्षय यानी वेथरिंग, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अपरदन का मतलब तो होता है एरोजन मीन्स मृदा का उड़कर बहकर चले जाना, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखें, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है कैरियोसिस नाइग्रिसेंस, इसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये गोडावन पक्षी की संख्या बहुत कम बच गई है यानी बहुत ही कम बचे हैं और इसके बारे में मैंने पुराने सॉल्यूशन में भी बताया था। और जो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसको जैसलमेर और बाड़मेर में है, वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में इसके संरक्षण की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 53, राजस्थान में तांबा खेतड़ी कॉपर फाउंड इन खेतड़ी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखें, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये उड़न गिलहरी के लिए फेमस है, फ्लाइंग स्क्विरल के लिए, क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 55 देखें, जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, क्योंकि जैव विविधता हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है, ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न घाट, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईस्टर्न घाट। क्वेश्चन 56 देखें, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, तो ये पिछली बार सॉल्यूशन में भी मैंने डिटेल में बताया था प्रत्येक गैस कितने कितने परसेंटेज में है, ऑक्सीजन मैंने बताई थी आपको 21% होती है जिसका डिटेल में मैंने 20.94% बताया था, ठीक है, ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैंने बताया था 0.03%, नाइट्रोजन भी बताया था 78%, और यहाँ पे मीथेन पूछा है, देखो दोस्तों, तो मीथेन तो बहुत ही कम मात्रा में होती है, मीथेन की परसेंटेज तो 0.00017% होती है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है सर्वाधिक मात्रा में, तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है 78%, ठीक है। एक आप ऑर्गन भी ध्यान रखें 0.9% होती है, तो ये आप लोगों को कंपोजिशन पता होना चाहिए,
नेक्स्ट देखें दोस्तों क्वेश्चन 57, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन है, द गंगा रिजर्व डॉल्फिन, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेप्टोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, शुष्क वन अनुसंधान, तो ये मैंने दोस्तों डिटेल में बताया था क्वेश्चन नंबर 51 2020 के सॉल्यूशन में, एक वीडियो में मैंने 2020-2022 का डिटेल में जो सॉल्यूशन बताया था उसके अंदर मैंने जोधपुर के अंदर सारे बताए थे, काजरी, आफरी, DMRC, लगभग सारे संस्थानों के नाम मैंने उसमें बताए थे। तो आफरी भी कहाँ है जोधपुर के अंदर, उस क्वेश्चन में काजरी के बारे में पूछा गया था और मैंने आफरी भी बताया था, DMRC भी बताया था और मैंने ZSI भी बताया था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, काजरी भी बताया था, सेंट्रल एरिड रिसर्च जॉन इंस्टीट्यूट और आफरी भी बताया था, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारी संस्थाएं जो है जोधपुर के अंदर स्थित है। तो आगे भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द दिया, तो ये तो काफ़ी क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, तो पारिस्थितिक शब्द जो है यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन जो है 60 के अंदर पूछा है, पारिस्थितिकी शब्द दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हैकल, यहाँ पे आप इसका सी ऑप्शन राइट कर लें। और एक आपसे पूछा जा सकता है पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है टांसले ने दिया था। नेक्स्ट आ जाए 61, रेड डाटा बुक, तो ये लुप्तप्राय प्राणी इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है। क्वेश्चन 62 देखें, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह, तो यहाँ पे जाइंट पांडा होता है, विशालकाय पांडा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 60 देखें, फ्लोराइड युक्त प्रदूषण से दांत खराब हो जाते हैं, सी ऑप्शन 63 का सी। 64 में देखें, चिल्का झील, तो चिल्का झील जो है ओडिशा के अंदर है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 64 के अंदर। 65 में देखें दोस्तों, जेट्रोपा, ये पिछली बार वाले पेपर में भी था, बायोडीजल के लिए, जैव डीजल के लिए जेट्रोपा प्लांट। 66 में देखें पर्पल फ्रॉग, पर्पल फ्रॉग जो है पश्चिमी घाट में, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा पश्चिमी घाट के लिए, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों क्वेश्चन 67, रामसर कंजर्वेशन, रामसर साइट जो है वेटलैंड है, आर्द्र भूमि, इसका भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 68, रेडियोधर्मी अपशिष्ट होता है, तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो है इसमें जीन उत्परिवर्तन होगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट देखें कान्हा राष्ट्रीय 69 के अंदर, तो ये भी बाघ के लिए था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है, ये पिछली बार वाले पेपर में भी था। तो देखो इससे पहले 2019-20-22 सारे पेपर लगभग मैंने सॉल्व किए हैं, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों उन्हीं में से रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इन चारों पेपर को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एनवायरमेंट स्टडीज़ के लगभग लगभग क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 71, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है टेंसले ने दिया, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और पारिस्थितिकी दिया था हैकल ने। नेक्स्ट आ जाएं, खाद्य श्रृंखला समाप्त होती है, तो खाद्य श्रृंखला समाप्त होती है इस पर अपघटक हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट, डीकम्पोजर्स, और खाद्य श्रृंखला शुरू होती है उत्पादकों से, प्रोड्यूसर से, ठीक है। नेक्स्ट देखें 73, शाकाहारी कहलाते हैं, तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो 73 के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, द हर्बी वेरिस आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। 74 में देखें, ओजोन छेद का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो होती है, जो प्रसिद्ध गैस है, यानी फ्रिज से, रेफ्रिजरेटरों से, डीप फ्रीजर से ये गैस निकलती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 75, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एयर पॉल्यूशन, लाइकेन्स आर इंक्लूड्स, तो लाइकेन जो है सवाल और कवक का सहजीवन होता है, एसोसिएशन होता है, और काफ़ी फेमस है, बायोलॉजी के अंदर इसको पढ़ाया जाता है, तो 75 के अंदर जो है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये SO2 के प्रति उसके इंडिकेटर होते हैं, SO2 के, सल्फर डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों 76, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको मिक करके याद रखते हैं, MIC, भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड है,
और इसकी पूरी मैं बता दूं आपको, भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 1984 में भोपाल के अंदर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, और 40 टन ये लगभग MIC गैस का जो है लीकेज हो गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 40 टन ये कंपनी थी यूनियन कार्बाइड अमेरिका की, वहाँ से ये जो है लगभग 22-23 हज़ार लोग जो है इसमें ऑफिशियली मारे जाने की है, लेकिन मरे मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी। तो इसके अंदर आप लगा दें ए ऑप्शन राइट, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे इसका 77 का ए ऑप्शन हो जाएगा, लिंडमैन का संबंध है, 10% प्रकाशीय ऊर्जा का स्थानांतरण नियम, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ, और ये हो जाएगा इसका ए ऑप्शन राइट क्वेश्चन नंबर 77 का। यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में जो एनर्जी जो है वो 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट आ जाएँ, ओरण का संबंध है, तो देखो ओरण भूमि होती है जो जहाँ पे कृषि नहीं होती है, जैसे गांवों में भी ओरण होता है तो वो भूमि को छोड़ देते हैं, वहाँ पे जो है खेती नहीं की जाती। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 78 का पवित्र उपवन आप इसका आंसर मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 79, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में है दोस्तों। इसी तरीके से नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आ जाए इसके बाद फुलवारी की नाल क्वेश्चन नंबर 80, फुलवारी की नाल जो है काफ़ी फेमस है उदयपुर के अंदर, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फुलवारी की नाल जो है उदयपुर के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट आ जाए 81, कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स गाय होती है, यानी जो शाकाहारी होते हैं गाय भैंस बकरी, तो काऊ हो जाएगा क्योंकि टाइगर शेर और तेंदुआ तीनों मांसाहारी हैं और मांसाहारी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होते। नेक्स्ट 82, राजस्थान का राज्य खेल, तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, 1948 में इसे बनाया गया था, ये भी आप लिख लें 1948 के अंदर इसे राज्य खेल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, फीफा संबंधित है, तो बहुत सभी लोग जानते हैं फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म भी आप लिखना चाहें फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, 1930 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाए बरकतुल्ला खान स्टेडियम, मैं खुद जोधपुर से हूँ तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम हमें पता है हमारे जोधपुर के अंदर स्थित है, अभी वर्तमान में यहाँ पे मैचों का भी आयोजन किया जा रहा है लेकिन अभी तक यहाँ पे IPL के मैच जो हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अभी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भी यहाँ पे आयोजित हुआ था और उससे पहले भी एक बार जो है मैच जो है हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी यहाँ पर हो चुके हैं 2-3। नेक्स्ट आ जाएँ ओलंपिक 2024 की मेज़बानी, तो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पेरिस फ्रांस के अंदर होगी, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट 86 में देखें भारत के खेल मंत्री, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है खेल मंत्री के बारे में, आप देखें सी ऑप्शन इसका हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 87, मेजर ध्यानचंद हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और ये रिपीट हो रखा क्वेश्चन है 2020 वाले में या 22 वाले में था, मैंने डिटेल में भी बताया था। क्वेश्चन 88 देखें, प्रोटीन का स्रोत है अंडा मांस दाल, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, प्रोटीन इन सभी में होता है, ऑल ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 88 में जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 89 देखें, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र हैं वैभव गहलोत, जो कि प्रेसिडेंट हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के, और इन्होंने ही अभी जोधपुर में वगैरह में मैच वगैरह का आयोजन भी यही देखते हैं, और इनका मुख्यालय जो है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का जयपुर के अंदर स्थित है सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 90, भारत में खो खो की उत्पत्ति, तो भारत में खो खो की उत्पत्ति महाराष्ट्र राज्य से मानी जाती है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन 91, कबड्डी के प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा,
सात खिलाड़ी कोर्ट में होते हैं और पांच खिलाड़ी जो है रिजर्व, यानी टोटल खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 12। 92 देखें, भारत के किस राज्य में मलखम को अपना राज्य खेल, तो ये मैंने 2022 या 20 वाले में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था। मलखम के बारे में मैंने डिटेल में बताया था, एक पोल होता है, खंबा होता है जिसके ऊपर जो है शारीरिक कर्तव्य दिखाए जाते हैं। तो मलखम जो है इसका MP के अंदर जो है राजकीय खेल घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 93 देखें, इमानी पर्व, ये भी मलखम से संबंधित है और इसकी बहन भी जो है मलखम की खिलाड़ी है और काफ़ी फेमस है ये, विश्व में अपना नाम बनाया है इमानी पर्व ने मलखम से। तो मलखम में एक लकड़ी का पोल होता है और उसके ऊपर कर्तव्य दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 94, देश का सर्वोच्च खेल सम्मान, तो ये अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा, ए ऑप्शन 94 के अंदर। 95 देखें, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बदलते हैं, तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमोनिया को नाइट्रेट में। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 96, जल्लिकट्टू, तो ये जल्लिकट्टू भी उस पेपर में बार बार आ रहा था, पोंगल पे हो यह आयोजित होता है तमिलनाडु के अंदर, और डिटेल में मैं आप लोगों को बता दूं, बैलों से इंसानों को लड़ाई होती है और लगभग 2000 साल पुराना ये खेल है, पोंगल पर्व पे ये आयोजित होता है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। 97 देखें, खो खो टीम में खिलाड़ी, तो खो खो टीम में भी जो है 12 खिलाड़ी होते हैं, 12 प्लेयर्स, 9 मैदान में होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन 98, बाण भट्ट दादा देवधर, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 98 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन 99, कबड्डी राष्ट्रीय खेल है, तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, बी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जल्लिकट्टू का संबंध किस जानवर से है, तो भी मैंने आप लोगों को बताया था बैल, सांड, तो ये सांड से रिलेटेड है, सांड जो होते हैं उसको इंसानों से लड़ाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा आयोजित किया गया था, और इससे पहले हमने 2020-2022 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है गलत हो गए हों, तो अगर आपको लगता है कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल, मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए और पेपर्स के सॉल्यूशन लाता रहूँगा।